हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज न्यू मून है, आप सबको पता ही है, तो आज मैं न्यू मून के ऊपर आप लोगों को रीडिंग देने जा रही हूँ। रीडिंग मैं कर रही हूँ मगर ये कब अपलोड होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना दी है। मैं किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रही थी तो मुझे नहीं पता कि ये कब अपलोड होगी। तो ये जब भी आपके सामने आएगी ये तब से रिलेट करेगी, ठीक है? तो मैं जब तक कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है? कुछ नेगेटिव नहीं सोचना आपने अपने पार्टनर के बारे में। और ये रीडिंग के टाइम ही नहीं, आप हमेशा के लिए सोचें कि आप अपने पार्टनर को, एक चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा करा हो, मुझे पता है यहाँ पर मुझे एनर्जीज पता चल जाती हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरा करा होता है आपके पार्टनर ने, तो आपको कभी भी उनको एक, जैसे कहते हैं ना, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में याद नहीं रखना है। अगर रखना है तो अच्छे में रखिए, वरना उसको जाने दीजिए, ठीक है? तो अपने पार्टनर को माफ़ी देना सीखिए। उन्होंने आपके साथ कैसा भी किया, जो भी किया, वो उनका कर्मा, आप अपने कर्माज अच्छे रखिए, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस न्यू मून पे। हम यहाँ से चेक करते हैं पहले क्योंकि न्यू मून पे करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट सेवन ऑफ कप्स, ठीक है? पहले मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, ऑल जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, ठीक है? या आप अपनी सिचुएशन देखें, मैं यहाँ आपको सिर्फ एनर्जीज बताऊंगी। और जो टैरो रीडिंग होती है वो एक गाइडेंस होती है, फाइनल डेस्टिनी सब यूनिवर्स के ऊपर होता है, तो आप इस चीज़ को सीरियसली भी ना लें, ठीक है? कि मैंने आपको बता दिया तो ये चीज़ हो ही ना जाए कहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस तरीके से लीजिएगा, ठीक है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इसको मैं यहां रख लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे जो अभी तक हाल फिलहाल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है, तो वो जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स के साथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर आपको अब ऑप्शंस में रखना नहीं चाहते हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके इस टाइम पे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेवन ऑफ कप्स को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? मगर यहाँ पर ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है सपोर्टिंग में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस थे तो वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं आपके साथ, आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक मैसेंजर है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बात की जाए, आपसे किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि आई थिंक बहुत से लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है। अगर ब्लॉक कर रखा है तो कहीं ना कहीं अनब्लॉक करेंगे ये आपको, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब अपने इस रिलेशनशिप, यानी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, है, जो भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी वर्थ समझ चुके हैं, इन्हें पता लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा ज़रूर था कि ये आज भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे इनके पास कितने भी मल्टीपल ऑप्शंस रहे,
या ये कहीं पर और फ्लर्ट करते रहे या कुछ भी है, मगर अगर आज की डेट में ये देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजरने वाले हैं। आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। मे बी आप दोनों की लास्ट कन्वर्सेशन जो हुई हो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होगा या हुआ होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ हो सकती है कि मे बी आपके इस कनेक्शन में मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कहते हैं ना, एक ने दूसरे के कान भरे, दूसरे ने तीसरे के, तीसरे ने चौथे के, और वो आपके पार्टनर तक पहुंची। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत लोग हैं और आप हमेशा अपने प्यार की दुहाई, प्यार की क्लैरिफिकेशन देते रहे, मगर आपके पार्टनर ने कभी भी उस पर फोकस नहीं करा। उन्होंने फोकस करा जो इनके आसपास के लोगों ने इनको बोला, भड़काया या जो भी कुछ करा, क्योंकि आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में ज़रूर आए, मगर अब कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का पछतावा है, बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है। यस, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुत से लोगों की केसेस में आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा या तो फिर किसी से फ्लर्ट करते होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। थोड़े फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके रहते हुए भी इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग रहे होंगे और आपको ऐसे दिखाया कि नहीं सिर्फ एक तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शंस की तरह रखा, जैसे मैंने बोला। तो यस, ऑप्शंस बहुत थे, उनमें से एक आप भी थे। जहाँ पर इनका सही पड़ता बैठ रहा था तो वो वहाँ पर फोकस ज़्यादा कर रहे थे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत माइंड गेम्स खेले, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मगर बॉटम ऑफ द डेक में द मून है, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें बुरा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत करा, क्योंकि अब ये इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स की मे बी पेनफुल सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया। आज न्यू मून है तो मून का कार्ड आ भी गया कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब बुरा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, इन्होंने ऑन एंड ऑफ किया इस कनेक्शन में वो बहुत गलत किया, ठीक है। आपको पेनफुल सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया, ये चीज़ के लिए भी उनको अब गिल्टी महसूस हो रही है, काफ़ी मिसिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आज मूड स्विंग्स के साथ साथ वो आपको मिस भी करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, मैंने यहाँ पर अभी आपको ये चीज़ बोली थी सेवन ऑफ वॉन्ड्स में कि बहुत से लोगों की पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी दिल की सुन रहे हैं। पहले इन्होंने दिमाग बहुत चलाया, शायद बहुत से केसेस ऐसे भी हो सकते हैं आप लोगों के कि बहुत जल्दी ये कनेक्शन शुरू हुआ, फिर बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, ठीक है, फिर जल्दी स्टार्ट हुआ मगर वो चला बहुत देर तक। उतनी देर में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, थर्ड पार्टी, बहुत चीज़ें आ गई, तो वो करते करते 5, 6, 8 साल, 9 साल का रिलेशनशिप हो गया। मगर जो खूबसूरत रिलेशनशिप था वो भी, वो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के लिए मुश्किल से 2 साल, 1 साल या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चला होगा। अदरवाइज़ बाकी में तो ब्लॉकेजेस या फिर दुख ही देखा है आपने। आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको बोला था नाइन ऑफ पेंटिकल से यूनियन, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था यहाँ बर्ड है तो कहीं ना कहीं मैसेंजर का नोटिफिकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों के केसेस में आज की डेट में विद इन 8 आवर्स, 9 आवर्स, 7 आवर्स, 7 बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है, 7 हो सकता है, 14 आवर्स हो सकते हैं, 6 या 5 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कलेक्टिव लेवल पे मुझे दिख रही है बहुत से लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपको आज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स
सॉरी हाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आज मैंने कहा ना जैसे इनके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होंगे, तो ये आपकी डीपी देखेंगे, आपका स्टेटस देखेंगे, स्टोरीज लगा देंगे, स्टेटस लगा देंगे, कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास आपकी कोई फ़ोटोज़ होंगी उनको देखेंगे। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर ने आपको चीट तो करा है, ये तो नो डाउट, ठीक है, चीट तो करा है इन्होंने। आपके साथ रहते हुए भी इन्होंने और बहुत से लोगों को ट्राई करा है, रिलेशनशिप में आए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स यहाँ पर दिख रही हैं। ब्लॉक अगर हो रखे हैं तो अनब्लॉक होने के चांसेस हैं, यहाँ पर बहुत से लोगों के मैसेज भी आने का चांसेस हैं। आपके पार्टनर हमेशा ना डिफेंसिव मोड पे रहते थे कि मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ सही हूँ, मैंने जो बोला मैंने जो किया सब कुछ सही है, इस रिलेशनशिप में मैंने ही एफर्ट्स डाले हैं। यानी कि आप कहीं पर भी फिट नहीं होते किसी भी अच्छाई में, आप सिर्फ बुराई में फिट होते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर मह का अहंकार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, रीयूनियन मैंने पहले बोल दिया था, सिक्स ऑफ कप से भी ये यूनियन पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे दिख रहे थे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें यहाँ पर भी बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे दिख रहे हैं। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी यहाँ पर ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, अगर आप लोग सेपरेट हो रखे हैं, ऑलरेडी मैरिड है सेम पर्सन से, तो वो यूनियन चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। मे बी बहुत से लोगों के केसेस में आपके पार्टनर आपके ड्रीम में भी आते होंगे, ये चैनल्ड मैसेज है, ठीक है, ड्रीम में भी आते होंगे। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों का यूनियन तो होने के पूरे चांसेस हैं, अगर मैं 90% बोलूँ तो यहाँ पर चांसेस हैं कि बहुत से लोगों का यूनियन होगा। मैं 99 ही बोलूँगी मगर फिर भी मैं 90% बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, यूनियन के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। अगर कमिटमेंट देने के बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर उन्हें कमिटमेंट का इशू था तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, चैरियट, एक्शन ले चुके हैं इन्होंने, मन में ठान लिए, सोच लिया है। मे बी आप दोनों इस वक्त टोटली नो कॉन्टैक्ट में हैं, मे बी ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन हुई है ना ये किसी के वजह से हुई है, ठीक है, आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो क्रिएट करी हैं फॉर श्योर, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस बैठ के बात करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोगों की अगर आमने सामने बैठ के बात होती है तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। मे बी शायद आपने उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए हैं या उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं तो आप झगड़ा करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। तो आप अब बहुत ज़्यादा एक ब्लंट हो चुके हैं, एक जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल टाइप के हो चुके हैं, इमोशंस अब आपके अंदर वो इतने रहे नहीं जितने इस बंदे को लेकर होते थे आपको। अब आपको लगता है कि ये रोए जिए मरे मेरी बला से, ठीक है, आपकी फीलिंग्स ये होती हैं, जो मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ तो वो मेरी तरफ से नहीं होते हैं, वो यूनिवर्स कहलवाना चाहते हैं, तो इसलिए मेरे मुँह से निकलता है ये सब चीज़ें जो भी मैं बोलती हूँ, तो इस चीज़ के लिए सॉरी अगर आपको अपने पार्टनर के लिए बुरा लगाओ, मगर मेरे ख्याल से आपके पार्टनर यही डिज़र्व करते हैं। एनीवेज ये तो उनकी करंट एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साइंस है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जिसमें वैसे तो कलेक्टिव है सारे साइंस इंक्लूड हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज स्कॉर्पियो पाइसिस एक्वेरियस और लिब्रा बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है। इनकी करेंट फीलिंग्स में देख ले, करेंट फीलिंग्स हो गई हैं, आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, मैं ये देख लेती हूँ कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फीलिंग्स में तो हमें पता चल चुका है कि करेंटली ये इस तरीके से सोच रहे हैं, मगर आपको लेकर क्या सोचना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचना चाहते हैं, ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, कहीं ना कहीं आपको कॉल करेंगे, ठीक है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें किसी तरीके की नोटिफिकेशन ज़रूर सेंड कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, इन्हें ईगो में नहीं बैठना चाहिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका एहसास, आपके आप दोनों के साथ जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो बिताए हुए लम्हे थे वो इन्हें रिपीट आज याद करवाने की कोशिश में रहेंगे यूनिवर्स, कि आप लोगों ने उनके लिए क्या किया ये वो देखें, क्या नहीं किया उन चीज़ों को इग्नोर करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत से लोग जस्टिस के उसमें बैठे हैं तो जस्टिस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स की साइड से। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। दो कार्ड आए हैं तो मैं नहीं लूँगी, मैं वन बाय वन लूँगी, एक वक्त एक कार्ड। मैंने कहा ना जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, जस्टिस ही आ गया, ठीक है। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, जजमेंट और जस्टिस एक साथ आया तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर ने इक्वलिटी नहीं करी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, रनर चेजर की एनर्जी में रहे, ठीक है, हमेशा रन करते थे, आप उन्हें चेज करते थे, जो अब आपने करना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपको अब बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ये कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कॉल टेक्स्ट तो यहाँ पर बहुत से लोगों के आने के चांसेस हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। लवर्स, ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपसे आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन, द हाई प्रिस्टेस आ चुकी हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द हेरोफेंट, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस और जो हेरोफेंट अगर साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट करा जाता है। लवर्स, उससे ऑलरेडी ये पता चल चुका है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी एडिक्शंस, अपनी गलत चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई डेविल की एनर्जी थी, अगर सपोज़ करिए कोई नेगेटिव एनर्जीज या ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया गया था आपसे दूर करने के लिए, वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं आपके लिए, इवन हो रहे हैं वो। अगर ओवरऑल और मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो किसी स्ट्रक सिचुएशन में थे तो वो स्ट्रक एनर्जी भी इनसे इनके ऊपर से रिलीज हो रही है, मतलब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है। आपके पार्टनर आपसे सच में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मेरे कार्ड्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। द जजमेंट क्यों आया है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं इस वक्त। ये कहीं ना कहीं जो आज न्यू मून है इस टाइम पे इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों ही ब्लू कलर हैं। इमोशनली सोचेंगे आपके बारे में, जो इन्होंने माइंड गेम्स के लिए माइंड बहुत यूज़ करा तो वो चीज़ें यूज़ करते हुए नहीं दिख रहे, कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशंस में रहेंगे। जो ये हमेशा क्रॉस रोड पे रहते थे या फिर बैलेंस में नहीं रहते थे, तो कहीं ना कहीं अब ये बैलेंस में आना चाहते हैं कहीं ना कहीं आप। और ये मैंने आपको बताया था पहले, मून में भी हाफ मून आया था, यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स में भी हाफ मून है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस अपने आप को फील करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ, मगर कह नहीं पा रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस, ठीक है, लवर्स को हाई प्रिस्टेस, मैंने कहा ना कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मैंने ये बोला था कि अगर कोई ब्लैक मैजिक है, क्योंकि यहाँ ब्लैक कैट है, अगर वो है तो वो आज ख़त्म होती हुई दिख रही है। बहुत से लोगों के ऊपर से ब्लैक मैजिक हट जाएगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप बहुत किसी से अगर आप अपने पार्टनर का ब्लैक मैजिक रिमूव करा रहे हैं तो वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है, ये चैनल मैसेज था। हाई प्रिस्टेस क्यों आई हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। ये पहले भी आया था मगर मैंने इसे रख दिया था। आपके पार्टनर अगर किसी स्टक थे, अगर कहीं पर ऑब्स्टेकल्स थे, अगर कुछ भी थे, उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, अपने आँखों की पट्टी खोलते हुए नज़र आएंगे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, और बाहर होते हुए नज़र आएंगे। आपके पार्टनर को ना गिल्ट है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, चाहे वो आपको शो करें ना करें, इनको गिल्ट तो ज़रूर है कि आप इनकी दुनिया में नहीं रहे अब, या आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस बिल्कुल कोल्ड कर दिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मगर बॉटम ऑफ द डेक में आपके पार्टनर ने अभी भी होप नहीं खोई है,
वो अभी भी होपलेस नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं आगे जाके चीजें ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, ये चीज दिख रही है, और ये बिग होप का ही कार्ड माना जाता है। और कहीं ना कहीं इन्हें, ये अपनी इंट्यूशन फॉलो करेंगे तो इन्हें कहीं ना कहीं वो स्पार्क जरूर मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से वो एक लाइट जरूर मिलेगी जिसकी तरफ ये बढ़ेंगे, और इन्हें एक मैसेज मिलेगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ऑलमोस्ट सारे ही आ चुके हैं, मगर लिब्रा बहुत है, पाइसिस है, यस पाइसिस है, एरीज है, एरीज नहीं है, ठीक है, एरीज नहीं है, लियो है और लिब्रा, आई थिंक शायद मैं बोल चुकी थी, तो ये कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में यही सोच रहे हैं कि ये आपसे किस तरीके से मिलें, किस तरीके से आएं, आपसे कैसे बात करें। मगर यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का झगड़ा होता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आपके साथ झगड़ा हो सकता है, मगर वो झगड़ा कोई गलत उसमें नहीं होगा, वो चीज़ें क्लियर ही करेगा, जो भी झगड़ा होगा अगर होता है तो होने दीजिए, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, किसी तीसरे के बीच में आने से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, पहला कार्ड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपने यहाँ पर भी आप देखिए, ठीक है, वैक्सिंग है, मतलब हाफ मून है, ये वेनिंग में ही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमोशनली, तो आज सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस अप एंड डाउन हो, तो वो रो भी सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये चांद घटता हुआ इधर आधा है और यहाँ पर चांद बढ़ता हुआ पूरा होने की उसमें, यानी कि न्यू मून से फुल मून, और जो ये न्यू मून से जो कल के दिन आएगा वो वैक्सिंग में आएगा, यानी कि फुल मून के फेज स्टार्ट हो जाएंगे। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन यूनिवर्स ने बना के दिया है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ, या आपको, आप दोनों को ही कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगी। तो प्लीज़ एडजस्ट करें, आपके पार्टनर भी और आप भी, ठीक है, जो भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए आप डरे ना, वो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताएगा, जिस एक सॉल्यूशन तक आप पहुँच सकते हैं, इसलिए आपके बीच में लड़ाई होगी और झगड़ा होगा दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अनक्लियर हैं, उनको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, मैंने अभी ये बात बोली थी आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत करीब हैं अपने पार्टनर के, या फिर जैसे कहते हैं ना, उस सॉल्यूशन के बहुत करीब हैं, या अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होगी तो आप उस सॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचेंगे जिसकी आप दोनों को ही नीड है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यूनिवर्स बोल रहा है अगर आपके पार्टनर हमेशा इस रिलेशनशिप में ईगो में रहे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कंट्रोलिंग में रहे, ठीक है, या प्राइड में बैठे रहे, तो उन्हें पहला स्टेप लेना चाहिए, अगर उन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में, और अगर आपने नहीं डाले हैं तो आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए, ये यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। ठीक है, लव मैसेजेस देख लेती हूँ यहाँ से मैं कि लव मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। एक आया तो है, फेस दिखा है उसका, सॉरी डेट आई हर्ट यू, मैंने कहा ना इन्हें बुरा तो लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है, इन्हें बुरा ज़रूर लग रहा है, तभी वो सॉरी भी फील कर रहे हैं। मे भी शायद आपके पार्टनर ना झुकना नहीं जानते, झुकाना जानते, अटेंशन सीकर टाइप के दिख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया बहुत गलत किया। देखो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, हिंदी में ही बता रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश में बोलूँगी तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में, मतलब मैंने आपको बोला था ना, पांच यहाँ लिखा हुआ है आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ठीक है, यानी कि अगर आपके पार्टनर किसी इन्फ्लुएंस में थे और ये जानते हैं कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आया था तभी मैंने अपने पार्टनर के ऊपर शक करा, उसको गलत गलत बोला, तो ये वो ब्लॉकेजेस को दूर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और इन्फ्लुएंस तो हुए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, लव बैंड कोल्ड बहुत ज़्यादा आ गए, आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए इमोशंस कोल्ड रखे, इसकी भी माफ़ी मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इससे ज़्यादा ना ये लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस अब कोल्ड हो चुके हैं,
इनको लेकर, ठीक है। ये भी बोला जा रहा है कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि मैं बिना कुछ कहे ही तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँ और कुछ भी क्लियर ना करूँ। अभी वॉक अवे करना ही ठीक है, मगर मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। पोजेसिव, मे बी शायद आपके पार्टनर पोजेसिव होते हों आपको लेकर, मे बी आप कोई ऐसा कर रहे हों कुछ जो आपके पार्टनर को थोड़ा जेलस फील करा रहा हो। साइलेंट ट्रीटमेंट, आपके पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट देने में माहिर हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मगर अब आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को। डिप्रेशन, आपके पार्टनर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, या तो उन्हें एंजाइटी वगैरह ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या फिर आपको डिप्रेशन हुआ था इस रिलेशनशिप में। मगर अब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ जो किया है ना उसको सोच के बहुत डिप्रेसिव हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी आपसे मैच हुई है आप वो मुझे बताएं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्लेम और लाइक करना ना भूलें, ओके। शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं मेरा, और मेरे साथ आपको अगर मेरे से मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, कैसे भी लेनी है अपनी रीडिंग, तो आप वो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन लेना चाहते हैं, मगर दोनों के ही चार्जेस अलग हैं। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको बताया जाएगा कि मैं रहती कहाँ हूँ, उससे पहले से ही आपको नहीं बताया जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, रहती तो दिल्ली में हूँ, मतलब एड्रेस नहीं बताया जाएगा। बहुत से लोग बेफजूल बोल देते हैं कि मैम एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो, वाई अपॉइंटमेंट है नहीं तो आपको एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के अननेसेसरी मैसेजेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका भी टाइम बचता है, हमारा भी टाइम बचता है, ठीक है। और अभी तो टैरो की क्लासेस स्टार्ट नहीं है, वो मार्च मिड में स्टार्ट होंगी, तो अभी टैरो मैंने क्लासेस नहीं ले रही हूँ। स्पेल कास्टिंग की बैचेस चल रहे हैं, आप उसमें अगर लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ले सकते हैं। अगर आपको स्पेल कास्टिंग सीखनी है तो स्पेल कास्टिंग वाइट मैजिक होता है, ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है, यानी वेस्टर्न तरीके से हवन करना, ओके। मैं बार बार ये बोलती हूँ, बहुत से लोग इसको मैसेज में बोलते थे मैम ये ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक नहीं है ये, ठीक है। मैं खुद बहुत दूर रहती हूँ ब्लैक मैजिक से, ठीक है। हाँ, मैं मेरी नज़र में देखो कोई काम बुरा नहीं होता, कोई इस तरीके से कमाता है, कोई किसी तरीके से कमाता है। हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानती ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं सेमिनार्स वगैरह में मिलती हूँ, वहाँ हर तरीके के लोग होते हैं, तो मैं मिलती ज़रूर हूँ, मगर मेरा काम नहीं है वो, तो मेरी लाइन नहीं है, तो उस बारे में आप ना पूछे तो अच्छा है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ स्पिरिचुअल रिलेशंस बनाना ज़्यादा ठीक समझती हूँ, मुझे डेविल की एनर्जीज में नहीं जाना, ओके। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।